आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है मुंबई हलवा। इसे आप कराची हलवा भी कह सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैदा ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब मैं और डो बनाऊंगी, तो डो मेरा सॉफ्ट रहेगा। एंड यहाँ पे मैं डो बनाने के लिए वाटर चाहिए। तो अब मैं इसे वाटर और मैदा को मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बनाना है, ठीक है। और इसका नाशिस्ता ये निकालना हलवा है, है कुछ। नाशिस्ता निकलेगा। तो ये नाशिस्ता क्या होता है मैं आगे मैं आपको बताती हूँ कि होता है क्या। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो तैयार हो चुका और है। इसमें अब मैं वाटर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर अच्छे से वाटर मीन्स आपका डो में पूरा फुल वाटर हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। और इस तरीके से प्रेस कर देना है। ये जो वाइट वाइट वाटर हो चुका है इसे नाशिस्ता कहते हैं। तो ये नाश्ते नाशिस्ता इस तरीके से प्रेस कर कर करते करते आपको निकालना है। एंड इसका अब नाशिस्ता निकल गया। अब रेस्ट जितने भी मैदा बचा है वो मैं एक स्ट्रेनर पे रख दूंगी। और सारे जितने भी मैदा है सब इस पे रख करके स्टेन कर लूँगी। अगर थोड़ा बहुत भी नाशिस्ता निकलता है तो वो आ जाएगा। एंड इस नाशिस्ते के ऊपर, इस मैदे के ऊपर मैं वाटर डालूँगी, ठीक है। एंड मेरा जो नाशिस्ता बॉल में रखा हुआ था वो मैं इसे स्ट्रेनर से स्टेन कर लूँगी। और रेस्ट जितने भी मैदा निकलेगा उसे मैं हटा लूँगी। तो उसमें मैदा नहीं बचना चाहिए, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे और आपका मुंबई हलवा ख़राब हो जाएगा। को तो ध्यान इस देना चीज़ है। का, तो यहाँ पर मेरा एकदम लिक्विड फॉर्म हो चुका है नाशिस्ता का। एंड इस अब मैं इस अब इसे मैं तैयारी करूँगी हलवा का। तो इसे एक साइड रख देते। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें घी ऐड कर रही हूँ। घी यहाँ पर मैंने 2 कप यूज़ किया है। आप यहाँ पर 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें घी अच्छे से पड़ते हैं, ठीक है। और इसे अच्छे से हीट करने के बाद वो नाशिस्ता इसमें ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से आप कोई भी स्पून के हेल्प से आप इसे एक बार मिक्स कर लेना और उसे डाल देना। आप अपना फ्लेम जो है, फ्लेम बोल रही हूँ मैं, फ्लेम जो है वो लो रखिएगा। एंड इसमें मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें, मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें ऑरेंज फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी ग्रीन भी फूड कलर यूज़ हो रहा है। तो ये फूड कलर ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम में अच्छे से भूनना है। ये अराउंड 15 मिनट्स भुना जाता है। ऑथेंटिक तरीका है ये मुंबई हलवा का, कराची हलवा का। और मेन इसका मज़ा है, जितना आप भूनोगे उतना ही आपको इसका टेस्ट आएगा। तो अभी इसे अच्छे से फ्राई करना है लो फ्लेम में। तो ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर अच्छे से मिक्स कर ले और अच्छे से फ्राई कर ले। ड्राई फ्रूट्स पूरे नाशिस्ता के अंदर चला जाना चाहिए। अब इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना, कम ज़्यादा ये आप पे है। शुगर को नाशिस्ते से अच्छे से मिक्स आप करने के इसे बाद बंद कर देना फ्लेम। एंड इसे एक बर्तन में शिफ्ट करने के बाद इसे अच्छे से स्प्रेड कर इसके लेना बाद है इसे एंड कट कर देना है। तो ये आपका नाशिस्ता बिल्कुल तैयार है। और ये नाशिस्ता का फाइनल लुक है। मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।